गिनती अध्याय 11, इजराइलियों का कुड़कुड़ाना और उसका दंड भोगना। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उसके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तवेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उसमें जल उठी थी। मूसा द्वारा 70 अगुओं का चुनाव। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां समण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ो और कुछ भी नहीं देख पड़ता। मन्ना तो धनी के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या उंगली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना और यहोवा का कोप अत्यंत भड़क उठा और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया? जो मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं भी इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सबको लोगों को दूं? ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊँ। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनीय और उनके पहरे उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाते रहेंगे, और तुझे उसको अकेला उठाना न पड़ेगा। और लोगों से कहना, कल के लिए अपने आप को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र देश में ही भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम एक दिन या दो दिन या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, पर तुम महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथुनों में से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में मैं हूँ उनमें से 600,000 तो प्यादे ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गायें बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले, या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समा दिया। और जब वह आत्मा उसमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एलदाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एलदाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं।
तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उनमें समुआ देता। तब फिर मूसा इज़राइल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया, यहोवा की ओर से बटेरे। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतने ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर दो हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुँह में ही था कि वे उसे खाने न पाए थे कि यह कोप उन पर भड़का और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा और उस स्थान का नाम किब्रोथवा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वह मिट्टी दी गई। फिर इजरायली कुब्रथाओं से प्रस्थान करके हेसरोत में पहुँचे और वहीं रहे। थैंक यू।